जय गुरु जी। संगत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु जी पा ब्लेसिंग्स में। उम्मीद करती हूँ सारी प्यारी फैमिली गुरु जी की मेहर से खुश होगी और अपने घरों में स्वस्थ होगी। तो और आपको सबको बहुत बहुत मुबारक हो दुर्गा अष्टमी की। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी मंत्र जाप कर लेते हैं। हम सभी एक साथ मंत्र जाप करेंगे। पहले ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी खुश हैं? सभी हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बॉडी अगर हमारा नहीं सही रहेगा तो हम वेल्थ का क्या करेंगे और बाकी खुशियों का हम कैसे भोग लेंगे। तो सब सही रहिएगा, खुश रहिए अपने लाइफ में। तो संगत जी, आज का जो है सत्संग स्टार्ट करती हूँ मैं। आज का मेरा सत्संग बहुत ही प्यारा है और मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था। अभी कुछ महीनों पहले ही, आई थिंक तीन चार महीने पहले की बात है। मुझे ना मेरे पास पॉकेट स्वरूप नहीं था संगत जी। मैं बहुत टाइम से यही सोच रही थी कि मेरे को पॉकेट स्वरूप कब मिलेगा। और मतलब गुरुजी से बोलती थी मैं, गुरुजी आपको तो पता है कि मैं नेट से तो निकालूंगी नहीं, क्योंकि ये तो मेरे को लगता था कि नहीं गुरुजी देंगे, मैं सबर कर लूँगी, लेकिन मैं गुरुजी ही मेरे को कहीं ना कहीं से दिलवाएंगे, मैं नहीं लूँगी। तो संगत जी, होता क्या है कि छुट्टी का दिन था तो मैं मेरे को पार्लर में कुछ काम था, कुछ ज़रूरी, कुछ मेरे को कुछ चीज़ भी लेनी थी और कुछ काम भी था पार्लर में। तो संगत जी, मैं जिस पार्लर में अब रेगुलर जाती हूँ, ठीक है, तो उसमें मैंने अभी कुछ महीनों पहले की बात है, जब मैंने वहाँ पे दिन में वो मैंने उनको मैडम को फ़ोन किया कि आपका पार्लर खुला हुआ है तो मैं आ जाऊँ, तो वो बोलते हैं दिन में तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि आ जाओ, ठीक है। तो शाम मैंने कहा ठीक है, मैं इतने बजे तक आ जाऊंगी। मैंने उनको ये बोल दिया कि मैं आपके पास ये कोई लगा लो 4-5 बजे तक मैं आपके पास आ जाऊंगी तो आपका पार्लर खुला होगा। तो उन्होंने मुझे बोला नहीं, आप 5 या 6 बजे तक आना तो आपको खुला मिलेगा। ठीक है, मैं और थोड़ा लेट गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, छुट्टी का दिन है, लेट चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो संगत जी, मैं जाती हूँ तो सडनली, अब वो ये ना कि गुरुजी को जहाँ भेजना है उनको पता है कि बहुत दिन से स्वरूप मांग रही है। तो अब देखिए गुरुजी की लीला कि वो पार्लर होता है बंद, ठीक है, मुझे जाना होता है तो वो पार्लर बंद होता है। अब होता क्या है संगत जी कि उसी के बगल में, मतलब बगल नहीं कह सकते लेकिन साइड में नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि उससे 2-3 दुकान छोड़ के एक दूसरा पार्लर है जो कि वो भी गुरुजी की संगत है। मैं आपको बता देती हूँ उस दूसरे पार्लर के बारे में, मैं आपको बता देती हूँ। उस पार्लर में मैं काफ़ी टाइम से जा रही थी, मतलब लास्ट 1-2 ईयर्स से मैं जा रही थी, फिर बीच में वो अचानक से बंद कर देती हैं। उनका अपना कोई काम है, वो बिजनेस स्टार्ट करती हैं तो बंद कर देती हैं, वो जो संगत होती हैं मैडम जो हैं। तो उन्होंने भी कुछ महीनों पहले से दोबारा से वो ओपन किया है, तो वो उन्होंने बताया कि अब मैंने अपने सारे जो बिजनेस है जो भी मैं कर रही थी उसमें लॉस हो रहा था, तो अब वहाँ से ध्यान हटा के अब मैं अपने पार्लर पे ही ध्यान दूंगी। तो ये ऐसा उन्होंने मुझे बताया था, तो उनका नंबर था तो बीच में बात होती रहती थी बहुत पहले। तो अब होता क्या संगत जी कि जब मैंने शाम को पार्लर जाना था तो मेरे दूर दूर तक मेरे माइंड में नहीं था कि मैं उस वाली पार्लर में जाऊंगी जिसमें जो गुरुजी की जिसमें संगत है, ठीक है, जिन्होंने पार्लर दोबारा शुरू किया। मेरी जिससे बात हुई थी उनका पार्लर होता है बंद। अब मैं शाम को जाती हूँ, मतलब 5:30-6 बजे तक मैं निकल जाती हूँ कि अब तक तो खुल गया होगा उन्होंने बोला था, तो मैं वहाँ जाती हूँ। वो दुकान मुझे, क्योंकि उनकी कॉस्मेटिक्स की शॉप भी है तो मुझे कुछ सामान भी लेना था। मैंने कहा अरे यार ये तो बंद है, अब मैं क्या करूँ, फिर वही है कल से ऑफिस स्टार्ट है तो पूरा हफ्ता निकल जाएगा। तो संगत जी देखिए, गुरु जी ने मेरे को दूसरे पार्लर में भेजा क्योंकि वो खुला हुआ था और उनसे ना मेरी बात हुई थी पहले, दूसरी पार्लर की आपको बता रही हूँ, मेरी उनसे बात भी नहीं हुई थी और ना मुझे आइडिया था कि वो खुला होगा। मेरे माइंड में यही घूम रहा था कि जिससे मेरी बात हुई है उन्हीं का पार्लर मेरे को जाना है, ठीक है।
अब मैं आगे थोड़ा सा और आगे मैं बढ़ती हूँ संगत जी, तो उनका जो पार्लर है वो खुला हुआ होता है, जो गुरुजी की संगत है वहाँ पे मैं जाती हूँ। तो लकीली उधर कोई क्लाइंट नहीं था, कोई भी नहीं थे, तो उन्होंने मेरे को फिर अटेंड किया। मैंने बोला हाँ मुझे ऐसे ऐसे काम कराना है और एक दो चीज़ें भी लेनी हैं। तो उनसे मैंने बातों बातों में ऐसे ही बोला, आपको मैं बता दूं कि हाँ मैंने पहले ये चीज़ बोली उनसे, मैंने बातों बातों में ऐसे ही बोला, मैंने कहा कि अगर आपके पास गुरुजी का कोई कभी स्वरूप हो, कोई पॉकेट स्वरूप अगर आपके पास एक्स्ट्रा हो तो आप मेरे को दे देंगी। मैंने उनसे खुद चीज़ बोली, शायद गुरुजी को सब पता था, गुरुजी ने मेरे मुंह से भी उस दिन ये चीज़ निकलवाई, क्योंकि आपको पता है संगत जी गुरुजी की रजा में अगर हम रहते हैं तो गुरुजी ही सब कुछ करवाते हैं, गुरुजी ही सब कुछ बुलवाते हैं। हमारा कोई मतलब नहीं है कि हमारी कोई औकात ही नहीं है कि इंसान अपने दिमाग से चल पाए गुरुजी की रजा में रह के। तो उस दिन मेरा वहाँ जाना हुआ, गुरुजी ने वो शॉप बंद करी तो मुझे गुरुजी ने बोला अब तू वहाँ जा, तेरे को वहाँ से स्वरूप मिलेगा। मैं जाती हूँ, बैठती हूँ, अपना मेरा काम वगैरह वो करती हैं, उसके बाद मैं उनसे ऐसे ही बोलती हूँ, जस्ट जैसे कहते हैं कि एक बात रखना और कुछ नहीं। मैंने उनसे इतना ही बोला, मैंने कहा कि आपके पास अगर कोई गुरुजी का एक्स्ट्रा कभी स्वरूप हो तो आप मेरे को दे दीजिएगा, प्लीज़ एक मेले रख लेना, मैं बहुत टाइम से मुझे चाहिए था, तो पॉकेट स्वरूप नहीं है, पर्स में रखने के लिए। तो आप बिलीव करेंगे संगत जी कि उन्होंने मेरे को तुरंत दिया, कहते हैं आपको स्वरूप चाहिए, लो अभी है मेरे पास। तो मेरे पास एक छोटा स्वरूप है, और आप एक चीज़ मैं आपको और अच्छी बता दूं, जो मतलब मुझे इतनी खुशी हुई, गुरुजी मुझे उन्होंने वही स्वरूप दिया, छोटा सा पॉकेट स्वरूप जो मेरे घर में लगा हुआ है, जो नीले चोले में गुरुजी हैं, गाल पे अपना ऐसे प्यार प्यार से हाथ रखे हुए, आप लोगों ने भी देखा होगा मेरे व्लॉग्स में, वही सेम स्वरूप मुझे वो आंटी जी ने दिया। मतलब जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आप देखिए संगत जी, मैं इतनी ज़्यादा खुश थी उस दिन, मैंने कहा क्या बात है गुरुजी, मेरा वहाँ पे आपने जाना करवाया। जिस पार्लर में मेरे को जाना था संगत जी वो बंद था, और जिधर मेरे को आइडिया भी नहीं था मुझे गुरुजी ने वहाँ भेजा, और उनसे जब जैसे ही मैंने बोला, वो कहती हैं आपको स्वरूप चाहिए, लो आप अभी लो, तो उन्होंने मेरे को दिया है, मैं इतनी खुश हुई। और सबसे बड़ी बात कि जो स्वरूप मेरे घर में लगा हुआ है वही सेम चोले वाला स्वरूप, पॉकेट स्वरूप आज मेरे पास है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ के लिए खुश हूँ कि मतलब गुरुजी ने वो स्वरूप मुझे दिया। तो थैंक यू सो मच मतलब गुरुजी की, मैं बता नहीं सकती कि कितना ज़्यादा मेरे को अच्छी लगी ये चीज़। तो देखिए गुरुजी किस तरीके से अपने बच्चों की इच्छा पूरी करते हैं संगत जी, किस तरीके से उनको पता होता है कि चल आज तू बहुत टाइम से स्वरूप मांग रही है ना, तो मैं तेरे को आज स्वरूप दिलवा देता हूँ, तो निराश मत हो बिल्कुल भी, मैं तेरे को आज स्वरूप दिलवा देता हूँ। तो उसी तरीके से ये मेरा एक और सत्संग था जो गुरुजी ने कहलवाया, गुरुजी ने बुलवाया। तो जय गुरुजी, हर पल शुक्राना कि कैसे मुझे गुरुजी ने स्वरूप दिलवा दिया अपना छोटा, सेम वही जो मेरे घर में है, वही चोले में मेरे को पॉकेट स्वरूप दिलवाया। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु महाराज का, मेरे गुरु पाका, आई जस्ट लव यू गुरुजी, हमेशा 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 हमारे साथ रहिएगा, अपनी प्यारी संगत के साथ रहिएगा, हम आपके बिना अधूरे हैं गुरुजी, अगर आपने साथ छोड़ दिया तो दो कदम भी क्या, आधा कदम भी नहीं चल पाएंगे हम जिंदगी में। तो हमेशा हम सबके साथ रहिएगा, हमेशा रहिएगा। तो संगत जी आज मैं आपको ना एक और चीज़ बताती हूँ, अभी जस्ट रिसेंटली क्या हुआ था, बड़े मंदिर की एक बात आपको बताती हूँ जो कि बहुत गलत लगी मेरे को। पता नहीं संगत को, लोगों को क्या होता जा रहा है कि बड़े मंदिर में झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं सेवादारों से। अब कैसे हुआ था मैं आपको बताती हूँ, मैं अभी जस्ट मैं अभी 2-3 दिन पहले ही मैं होकर आई हूँ बड़े मंदिर, गुरुजी ने बुलाया था तो मैं चली गई, ठीक है, उनका बुलावा आया तो कदम अपने आप बढ़ जाते हैं, आप सभी को पता है। तो गुरुजी ने कहा चल आ जा, मैं गई, तो वो उस दिन लंगर प्रसाद वाला डे था,
तो उस दिन क्या हुआ कि पहले बाहर जब चाय पे, आपको सबको पता होगा जिस दिन लंगर प्रसाद बटता है तो पहले बाहर चाय पिला देते हैं सेवादार कि आप यहाँ 10-15 मिनट बिठाते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि जिसको दरबार में बैठना है वो बैठे रहिए, जिसे लंगर प्रसाद करना है आप करिए। मैं और मेरे साथ एक आंटी गई थी, हम दोनों गए थे, तो हम लोग डायरेक्ट ऑफिस से ही निकल गए थे। तो संगत जी हम लोग फिर लंगर प्रसाद के लिए उठे, जल चाय प्रसाद पीने के बाद, तो संगत जी जब हम लोग दरबार के बाहर बैठे हुए थे, ठीक है, तो सेवादार जी ने जब हम सबको उठाया कि चलिए अब आप लोग चलिए, जिसको लंगर प्रसाद चखना है वो आप चलिए, तो हम लोग चलने लगे, हम दोनों और बाकी भी लोग चलने लगे। तो संगत जी पता है वहाँ से ना जैसे हम लोग उठे तो पीछे से शोर की आवाज़ आने लगी, तो मैंने जैसे ही देखा तो एक अंकल और एक आंटी सेवादार जी से लड़ रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, उन पे चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि आप अपना रूल मत चलाइए। सेवादार जी कहते हैं कि मतलब आप ऐसे नहीं जा सकते, वो अपने आप ही, आपने देखा होगा वो जो स्टैंड्स लगे होते हैं कि बस इस लाइन में जाइए, उस तरीके से जाइए, वो स्टैंड को हटा के अपने आप आगे बढ़ रहे हैं। और वो अंकल सेवादार जी से कह रहे हैं कि आप अपने रूल मत चलाइए, हम बहुत देर से यहाँ पे खड़े हैं, बहुत रूडली उन्होंने बोला। मतलब मेरा अंदर से मन ऐसा करा कि मतलब मैंने को बहुत दुख पहुंचा, मैंने कहा गुरुजी ये आपके दरबार में खड़े हैं और कैसे बोल रहे हैं ये देखिए, मतलब इनको अब आप बताइए, इनका यहाँ आना तो व्यर्थ हो गया है ना संगत जी। अगर मैं हूँ, आप हैं या कोई भी है, हम लोग अगर गुरुजी के पास जाके, गुरुजी के दरबार में जाके अगर हम लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, सेवादार जी को हम लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं और हम अपनी हड़बड़ी कर रहे हैं, हम गलत बोल के गुरुजी के पास आ रहे हैं, तो क्या गुरुजी उस टाइम पे हमें प्यार देंगे, हमें ब्लेसिंग्स देंगे? बिल्कुल भी नहीं। गुरुजी को तो ऐसा पसंद ही नहीं था, गुरुजी को तो आज भी डिसिप्लिन बहुत पसंद है, तब भी पसंद था और आज भी पसंद है। तो मुझे अंदर से बड़ी तकलीफ हुई, मैंने कहा ये लोग सेवादार बेचारे पूरा पूरा दिन खड़े रहते हैं संगत जी, कोई किसी की ड्यूटी लगती है, मैं आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो रोड पे छतरपुर की पूरी सड़क होती है, पूरी सड़क होती है, बारिश है, धूप है, गर्मी है, आपको पता ही है कि वो सारा दिन किस तरीके से लगे रहते हैं, पूरा पूरा दिन खड़े रहते हैं। और मंदिर में भी सेवादार जो है कितनी सेवा करते हैं सबकी, पूरा दिन लगे रहना, और फिर आप उनको, वो आपको डिसिप्लिन में चलवा रहे हैं कि आप यहाँ से जाइए, अब चाय पी लीजिए, अब आप लंगर प्रसाद कर लीजिए, और हम लोग उनको कैसे बोलते हैं, कितनी गलत बात है। वो अंकल आंटी ने कितनी गलत तरीके से उनको बोला, बहुत गलत तरीके से बोला संगत जी, मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील हुई कि उन्होंने क्यों बोला इस तरीके से। मतलब लिटरली वो उनसे लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अपने रूल मत चलाइए, आप गुरुजी के दरबार में आए हो और आप इस तरीके से बोल रहे हो। माफी चाहूंगी संगत जी, वो थोड़ा मैं पानी पीने लग गई थी, तो मैं आपसे वही कह रही हूँ कि बीच में अगर आप इस तरीके से आ रहे हो, आप सेवादार जी आपको वही चीज़ बता रहे हैं कि जो गुरुजी करवाते थे, उनके जो रूल थे वही, इंसान के अपने रूल कैसे हो सकते हैं, सब तो भगवान के रूल हैं, यहाँ पे इंसान का तो कोई रूल ही नहीं है। जो इंसान रूल्स बनाएगा बड़े मंदिर में, हम कौन होते हैं रूल्स बनाने वाले? तो प्यारी संगत जी प्लीज़ इस तरीके से मत किया करें, आप ना करो कि आप बड़े मंदिर जाके आप लोग इन पेशेंस हो जाते हैं, आप लोग सोचते हैं कि मतलब और जगह हम लोग लड़ाई करके चले जाते हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो, या कोई भी दरबार हो, गुरु जी का हो, या कोई भी भगवान का दरबार हो, संगत जी इस तरीके से मत किया कीजिए, मत करिए, वरना आप भगवान जो आपको ब्लेसिंग दे रहे होते हैं, भगवान जो आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो उस टाइम पे नहीं मिल पाएगी। फिर आपको थोड़ा इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, फिर इस तरीके से आपको वो ब्लेसिंग्स नहीं मिल पाएगी। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगी कि इस तरीके से ना करा करें, बिल्कुल भी ना करा करें। सॉरी संगत जी, थोड़ा सा आपको शोर आ रहा होगा शायद मेरे बालकनी की तरफ से, ना कोई गाड़ी ऑन किया है तो उसका शोर है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, सॉरी फॉर दिस। तो इस तरीके से बिल्कुल भी ना करें संगत जी। तो अभी का सत्संग मैं अभी तक रखती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए सब लोग मंत्र जाप कर लेते हैं। मेरे चैनल का नाम है गुरुजी पा ब्लेसिंग्स। प्लीज़ एक सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा प्लीज़।
और अगर आप मेरे बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आइए सब लोग मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका।